बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज अपनी जा रही हैं अपने घर, तो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक बने रहे, आइए बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम फिर से जा रहे हैं केक बनाने के लिए। तो ये हमारे पास अंडे रखे हैं, तो हमें अंडे को बीट करना है, बटर है और मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आज अपनी जा रही हैं तो हो रहा है कि केक बना लिया जाए। तो फ्रेंड्स, आज केक बनाने में हेल्प कर रही है अशना हमारी, और ये हमारा मैदे वैदे का वेट कर रही थी। तो 2 kg का हम बना रहे हैं, 2 kg का है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा मैदा ज़्यादा चाहिए और अंडे भी हमने ज़्यादा लिए हैं। हमने 6 अंडे लिए थे हमने। फ्रेंड्स, केक में ना हर चीज़ बिल्कुल नाप के हर चीज़ पड़ना चाहिए, और इसकी जो मेजरमेंट होती है ना वो बहुत अच्छी होना चाहिए। अगर वो नहीं अच्छी होगी तो केक हमारा बिल्कुल भी फ्लफ़ी नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हमें हर चीज़ जस्ट डबल इसमें ऐड करना है अगर हमें ज़्यादा बनाना है तो। 1 kg का बना, 1 kg का अगर हम बनाएंगे तो हम 3 अंडे का इस्तेमाल करेंगे। और बस इसे ऑफ कर दो, इसका सेल निकाल के रख दो। तो हमने बेकिंग पाउडर जो लिया फ्रेंड्स, ये भी हमने 2 teaspoon लिया है। पाइनएप्पल एसेंस लेंगे, ये भी 2 teaspoon लेंगे। और हमने जो फ्रेंड्स शुगर ली है, ये भी हम 200 ग्राम लेंगे। और जो बटर मैंने लिया है, बटर लिया है, ये भी हमने 200 ग्राम लिया है। अरे, यहाँ तो बन चुका है। और अब इसमें फ्रेंड्स आएगा हमारा पाइनएप्पल एसेंस। पाइनएप्पल ज़्यादा पसंद है तो हम पाइनएप्पल एसेंस डाल देंगे। तो हमें 2 teaspoon इसमें ऐड करना है क्योंकि हम 2 kg का बना रहे हैं। पाइनएप्पल ज़्यादा पसंद है, वनीला थोड़ा कम पसंद है। वनीला जो है ना वो चॉकलेट के साथ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हमने ये डाल दिया है और इसके साथ ही साथ हम इसमें जो पिसी हुई हमारे पास शुगर है इसे हमें ऐड कर देना है। बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड, इतना अच्छा इतना टेस्टी केक बनाना सिखाएंगे आप लोग को कि आप लोग बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि क्या यार, बिल्कुल मार्केट जैसा बना दिया। अच्छे से बीट करना है, बढ़िया तरीके से बीट करना। फ्रेंड्स, केक का काम करते करते लाइट चली गई है, और जब तक लाइट नहीं आ जाती है जब तक हम केक नहीं बना पाएंगे। क्योंकि लाइट अगर चली जाती है ना तो बेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बेस नहीं बन पाता है। तो फ्रेंड्स, लाइट का हम वेट करते हैं और इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइट आ गई है और हमने काम फिर से शुरू कर दिया है। ओवन में रख दिया था फ्रेंड्स, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हमें बटर को अच्छे से इसमें सब ऐड कर देना, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, ओके बोलिए सब लोग, ओके। अब हम थोड़ा सा बीट और करेंगे। अब डाल देंगे बेकिंग पाउडर 2 teaspoon और लिया मैंने मैदा, दोनों एक साथ डाल देंगे सब चीज़ों को। ओके फ्रेंड्स, अब इसे हमें मैश करना है हल्के हल्के हाथों से ताकि उड़े ना। और शुरुआत में हमारा बल्कि बनके रेडी हो गया है, तैयार है ये। और अब हमें बॉल में ट्रांसफर करना है, ठीक है? बॉल ट्रांसफर करना है, तो बिस्मिल्लाह माने नहीं, इसको हमें अच्छे से ट्रांसफर कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइंग लग रहा है। इसको रुक जाएगा। ओ अशना को सुना दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर हमें नीचे वाले रॉड पे चलाएंगे हम इसको, सब गंदा हो जाता है फ्रेंड्स। 180 डिग्री पे हम इसे लगाएंगे, इसका टेम्परेचर सेट करेंगे और नीचे वाले रॉड पे लगाएंगे, और लगाएंगे इसे 50 मिनट के लिए। तो हमें 50 मिनट के लिए लगा देना, और मैंने इसे ऊपर वाले साइड में रखा है और नीचे की हमारे नीचे वाली जो हेयर है वो ऑन है।
बीच में हमें इसे जरूर चेक कर लेना। 20 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले रॉड को ये जला देंगे, इसको बंद कर देंगे, नीचे वाले को और ऊपर वाले जला देंगे, और इसकी साइड को भी चेंज कर देंगे। तब हमारा जो बेस है ना बहुत ही ज़्यादा फ्लफी होगा फ्रेंड्स। तो ये मेरी ट्रिक है जो मैं सिर्फ यूज़ करती हूँ, बाकी औरों को तो नहीं पता है। तो बस देखते हैं थोड़ी देर। फ्रेंड, जब तक हमारा बेस तैयार होता है तब तक के लिए हमने नहा भी लिया और नहा के नमाज भी पढ़ ली। और आपको मैंने बताया था कि अशना हमारी हेल्प कर रही है, तो अशना ने हमारे साथ हेल्प करी। सबसे पहले क्रीम को बीट करने में हेल्प करी इसने। फ्रेंड्स, हमने 4 लेयर का बनाया है केक और हमारे पास व्हिप क्रीम खत्म हो गई, तो थोड़ी सी व्हिप हम और कर ले रहे हैं क्रीम, इसके बाद हम केक की तैयारी करेंगे। तो क्रीम का कलर बिल्कुल सेम मैचिंग हो गया है, तो जल्दी जल्दी से इसकी आइसिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आइसिंग आप जितना भी करेंगे ना उतना आपका हाथ साफ होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आइसिंग कर ली है। ये अपनी स्टाइल है जी। अपने ये वाले क्या सुपर के लिए है? ऊपर के लिए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी आइसिंग हो गई है हमारे केक की, और अब मैं इसमें डिजाइन बनाऊंगी। ठीक है, अब हमें लेना है फ्रेंड्स, एक हमने लिया नोजल और ये लिए कोन। ये देखिए मेरे पास पुरानी रखी थी, मैंने वही ले ली है। अब हम बनाएंगे इसमें फ्लावर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम फ्लावर बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, यानी कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे आप देख लेना। और बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं है कि मुझे कौन सी डिज़ाइन बनाना है, जैसे बच्चों ने मुझसे कहा तो मैंने वही कलर बनाया। तो स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू मैंने ये लिया है, और मतलब बेस रखा है उस पर जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो येलो कलर की बना रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं, इंजॉय करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये भी वैसे प्यारा लग रहा है, 3 वाला। बस इसमें लड़ाई होगी, हमें चाहिए, हमें चाहिए फ्लावर्स। ये तो प्यारी येलो का बना रही ना, दो दो। अभी 2 kg ना। देखिए फ्रेंड्स, सही लग रहा है ना ये वाला थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, पर ये आप ज्यादा बनेंगे तो अच्छा लगेगा। आराम से इधर केक बना रहा है ना। ये शॉर्ट्स पे ले। तो फ्रेंड्स ये जा रहा था टपकने, मैंने इसे रोक लिया। हाँ, मतलब ये टपक जा रहा था। फ्रेंड्स हमारे पास थोड़ी सी क्रीम बच गई थी, तो मैंने सोचा क्या काम करें, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा डार्क कलर करके इसको मैं दूसरा नया डिजाइन दे दूंगी। मैं पूरा बॉल खाली कर दूंगी। तो फ्रेंड्स डार्क थोड़ा सा मैंने क्रीम को कर लिया, मैंने आपको बताया है, और इससे मैं बनाऊंगी बॉर्डर। तो आप मुझे बताइएगा ये बॉर्डर, ये डिज़ाइन कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और बढ़िया से ये बनाएंगे डिज़ाइन, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी माइंड में कोई डिज़ाइन नहीं होती है, बच्चों के लिए बस मैंने बनाया है। तो बस जैसे मैं बनाना शुरू करती हूँ जो भी मन आता है वो मैं बना देती हूँ। बस तो यही है, बस ऊपर भी थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन बना देंगे क्योंकि क्रीम बच गई है फ्रेंड्स, और दिल भी चाहता है कि जब कोई क्रीम बच रही है तो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। तो इसके ऊपर छोटे छोटे से मैंने और भी देखे स्टार ऐसे बना दिए, तो ये अच्छे लग रहे थे डिज़ाइन। तो इसमें स्प्रिंकल कर देंगे, हमारे पास सिल्वर कलर के स्प्रिंकल रखे थे, वो इसमें अच्छे लग रहे थे, तो मैंने वही इसमें स्प्रिंकल कर दिए। ये देखिए बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा केक बनके रेडी हो चुका है, आप लोग सभी लोग बताइएगा हमारा केक कैसा बना है, ये देखिए। और आप भी अपने घर में ऐसा केक बना सकते हैं, बशर्ते आपके पास थोड़ा बहुत सामान होना चाहिए, क्योंकि केक बनाने के लिए हमें सामान की सख्त ज़रूरत होती है जिससे केक हमारा अच्छा बन सके। देसी केक बिल्कुल मत बनाइएगा, ये मेरा अजाम कह रहा है। ये देखिए कितना मेहनत कर रहा है, आप देख सकते हैं। चलो ये सब रखो, तुम लोग लो पकड़ो, चलो ऊपर ले, चलो ऊपर ही धोना चल के, ये लो। फ्रेंड्स केक तो हमारा बन गया है, तो जितना भी सामान केक वाला था वो सारा मैंने सोचा मैं नीचे ही धो देती हूँ। तो बस जल्दी से धो के रख देंगे, और शुगर सिरप वाला जो बॉटल थी ना इसे भी धो के रख दें तो ज़्यादा सही रहता है, फंगस लग जाती है वरना। तो बस इसे सारे सामान को हम अच्छे से धो देंगे। और फ्रेंड्स ऐसा होता है जब काम करो ना तो फुल करो, वरना दूसरों के ऊपर छोड़ देंगे तो काम अच्छा नहीं होगा। तो मैं पूरा काम निपटा लेती हूँ। केक को हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, अब मैं इसे ले कर जा रही हूँ।
और सब कुछ लॉक करके हमें जाना है ऊपर। बाकी सारा सामान यही रख रहे रहने दें, थोड़ा सूख जाएगा इसके बाद हम ले जाएंगे। और ये मैंने मंगाई थी नाइफ़ को, सॉरी केक को कट करने के लिए ये वाली नाइफ, और एक ये केक को सर्व करने के लिए। और कलर आप देख सकते हैं, स्काई ब्लू कलर मेरे हाथ में लग गया है। कोई नहीं, साफ़ हो जाएगा। ये ले चलिए मारिया। अजान की तैयारी हो चुकी है और ये लोग बस निकलने वाले हैं। ये देखिए बैग वैग इनके सब रेडी हैं। हाँ बस काट दे रहे हम घर ले गए, इसमें जाऊँगी। ऑक्सी तो नहीं समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चाय बन रही है, सरमा चाय बना रही है, और इसके बाद हम लोग केक कट करके इन लोगों को खिलाएंगे। तो फ्रेंड्स हमजा काटने बैठ गया, पता नहीं कितना काटेंगे। मैंने सोचा मैं आपको इसकी लेयर दिखा देती हूँ। और बच्चे बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा ये अपने घर ले जाएंगे, यानी कि गुड़गांव जाएगा केक, तो हम इसे पैक भी करेंगे। ठीक है, चलो 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 गाड़ी आ गई, चलो। अप्पी की ट्रेन शाम की है और बस भैया उन्हें छोड़ने के लिए जाएंगे फ्रेंड्स, और ऑटो भी आ गई है और अब बस ट्रेन का टाइम हो रहा है। ये लोग निकलेंगे, सब लोग मिलजुल रहे हैं इनसे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आना होता है। बच्चों से दिल लग जाता है जब बच्चे आते हैं। गाइस को बाय नहीं बोलोगे? तो बाय गाइस, मैं जा रहा हूँ आज। आज मेरा हमी जा रहा है। हेलो मम्मी को बाय बोलो। तो डाकू लग रहे हो। तो फ्रेंड्स अभी जा रही हैं, आप देख रहे हो सामने, और बस घर में बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाएगा। भैया अली और जाहिर ये सब जाएंगे स्टेशन छोड़ने के लिए, बाइक से चले जाएंगे बाद में। तो बस हम भी घर जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।